क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी क्या मिलेगा का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, या तो आएगा जो इससे पहले मैंने करवाया अभी टेंजेंट वाला, या फिर ये क्वेश्चन आएगा हर साल क्या हम आते हैं 2023 2022 2020 19 ऐसा कोई साल नहीं है, आते ही आते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें वही चीज है कि हमें कैसे अप्लाई कर रहे हैं टेंजेंट और सर्कल की प्रॉपर्टी को, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज इसको नहीं कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है, अब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हमें क्या प्रूव करना है, ए प्लस सी डी इक्वल टू बी डी प्लस बी सी, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हमें सिंपल सा क्या दिख रहा है, हमें एक चीज दिख रही है कि क्या दिख रही है भाई, ए पी जो है ए पी और ए एस ये टेंजेंट है, क्यों है, एक्सटर्नल पॉइंट ए से खींची गई है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए पी इक्वल टू ए पी। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन में करते वक्त रीअरेंजमेंट का जरूर ध्यान रखना, अगर रीअरेंजमेंट आप सही से नहीं कर पाए तो आप क्वेश्चन में उलझ के रह जाओगे, सही से कर ही नहीं पाओगे। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वीडियो पूरा देखना, आपको रीअरेंजमेंट भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा ए पी इक्वल टू ए एस, क्यों, टेंजेंट है, ठीक है टेंजेंट, ये हो गई इक्वेशन वन, ध्यान से देखना। और सिमिलरली सिमिलरली देखो इस पेंसिल ये BP जो है BP और BQ तो ये भी मेरा टेंजेंट है। अब ध्यान से देखना, अब AP प्लस PB दोनों कुछ मिल रहे हैं, तो मतलब सर इधर मैं BQ लिखूं कि इधर एरिया लिखूं, देखो AP यहां से खत्म हो रहा है, AP यहां AP है उसके आगे क्या है PB, तो इसके नीचे PB वाला लिखना पड़ेगा, मतलब क्या लिखना पड़ेगा PB या BB इक्वल टू किसके बराबर होगा BQ के, ये भी क्या इधर है, ये भी टेंजेंट है, टेंजेंट, ठीक है, ये हो गए इक्वेशन। अब ध्यान से देखना, अब BQ किसके साथ है, BQ है CUP के साथ, मतलब इस तरफ इस BU BQ के जस्ट नीचे CQ आना चाहिए, तो और CQ किसके साथ टेंजेंट है, CR के साथ, मतलब मैं क्या लिखता हूं यहां पे CR इक्वल टू BQ हो CQ CQ, ये भी क्या है टेंजेंट, टेंजेंट, ये हो गई इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो अगले देखो, अब CQ CQ किसके साथ है, CR के साथ, अब RCR किसके साथ है, DR के साथ, और DR किसके साथ टेंजेंट है, DS के साथ, मतलब DR और DS टेंजेंट है, एक साथ लिख सकता हूं बराबर, लेकिन DR किसके साथ है, CR के साथ, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, CR जस्ट नीचे ही DR इक्वल टू DS, ये हो गई, ये भी सेम हो मेरा क्या है टेंजेंट, टेंजेंट, ये हो गई इक्वेशन 4। अब ध्यान से देखो, मुझे LHS RHS में LHS निकालना है, AB AB किन दो से मिलकर बन रहा है, AB प्लस BB, तो मतलब इस दोनों को किसी तरीके से मैं ऐड कर दूं AB प्लस BB को, तो मेरा AB में क्या बिल्कुल मिल गया, इसी तरीके से CR प्लस DR को ऐड कर दूं तो मेरा क्या मिल रहा है, CD मिल रहा है। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 2 3 4 क्या लिख रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 चारों को ऐड कर रहा हूं, चारों को ऐड करके कैसे लिख रहा हूं देखो ध्यान से, AP प्लस BP, AP प्लस BP को एक साथ ले लिया मैंने, फिर प्लस क्या लिख रहा हूं मैं, CR प्लस DR, CR प्लस DR, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, LHS 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 से ऐड होगा, RHS RHS से, तो ये मेरा मिल गया। अब दूसरी ओर देखो AD, AD किस कहां पे आ गया, AD 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 कैसे आएगा, मतलब AS और DS को ऐड कर दो, तो AS और DS नहीं दिख रहा मेरे को, AS और DS सीधा देखो, तो AS और DS तो इनको एक साथ लिख लेता हूं मैं, AS प्लस DS को एक साथ लिख लिया, मतलब इन दोनों को एक साथ ऐड करने में कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, कैसे ऐड कर दो, और BQ प्लस CQ को एक साथ ऐड कर देता हूं मैं, BQ प्लस CQ को एक साथ ऐड कर देता हूं। तो अब ध्यान से बस रीअरेंजमेंट का चलता, AB प्लस PB क्या है, AB प्लस PB क्या हो गया, AB पूरा प्लस BR CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या हो गया, CD हो गया, इज इक्वल टू AS प्लस BS, AS प्लस BS क्या हो गया, AB क्या हो गया, ये मेरा पूरा AB प्लस BQ, BQ प्लस CQ ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया BC, और यही हमें प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था। तो देख लिया कितना सिंपल सा ये 6 स्टेप का क्वेश्चन है, और 3 4 5 हर साल आता ही आता है, ऑल टाइम फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट लिख रहा, जितना मैंने बताया अच्छे से वीडियो को समझ रहा, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, ऐसा हो ही सकता है कि समझ में ना आए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।